हेलो दोस्तों दोस्तों बुखार एक ऐसी बीमारी है जिसका सामना हम सभी ने अपने जीवन में बहुत बार किया है। तो चलिए इस वीडियो में इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बुखार क्यों आता है। आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 98 से 99 फारेनहाइट के बीच रहता है, लेकिन कभी हमारी लापरवाही या मौसमी असंतुलन से या जीवाणुओं के हमले के कारण शरीर की क्रियाओं के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर को अधिक एंजाइम, हार्मोन और अधिक रक्त कणिकाएं पैदा करनी पड़ती हैं। ये सब बीमारियों से मुकाबला शुरू कर देते हैं, फलस्वरूप रक्त का शरीर में प्रवाह बढ़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है और इन क्रियाओं के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए तापमान को ही बुखार कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसके पीछे की वजह को बखूबी समझ चुके होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।